तो दोस्तों आज हम बात करेंगे योद्धा मूवी के अब तक टोटल कलेक्शन के बारे में और साथ ही साथ बात करेंगे शैतान मूवी के अब तक टोटल कलेक्शन के बारे में और वही दूसरी तरफ बात करेंगे स्वतंत्र वीर सावरकर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। आइए बताते हैं कि ये तीनों मूवी अब तक कितना कलेक्शन कर चुकी है और कौन सी मूवी आगे चल रही है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं योद्धा मूवी के कलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों आपको बता दें कि सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म योद्धा को आज बॉक्स ऑफिस पर दूसरा हफ्ता शुरू हो चुका है और ये फिल्म दूसरे हफ्ते में भी ठीक ठाक कलेक्शन कर रही है। तो आज हम बात करेंगे फिल्म योद्धा के 8 दिनों के टोटल इंडिया और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो पिछले हफ्ते रिलीज हुई थी फिल्म योद्धा, जिस फिल्म में हमें देखने को मिले थे सिद्धार्थ मल्होत्रा, राशि खन्ना और दिशा पाटनी। बताना चाहूँगा फिल्म को सिनेमाघरों में कल एक हफ्ता कम्प्लीट हो चुका है और आज से ये फिल्म दूसरे हफ्ते में एंट्री ले ली है। हालांकि फिल्म को पहले हफ्ते में तो अच्छी खासी स्क्रीन से मिली थी, लेकिन दूसरे हफ्ते में फिल्म ने जैसे ही कदम रखा नई नई बॉलीवुड के दो फिल्में रिलीज हो गई हैं, जिसके चलते इस फिल्म के स्क्रीन को दूसरे हफ्ते में काफ़ी कम कर दिया गया है, जिसकी वजह से ये फिल्म अपने दूसरे शुक्रवार यानी कि 8वें दिन बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी नीचे जा चुकी है। जी हाँ, अगर बात करें यहाँ पर योद्धा के अब तक के यानी कि 8 दिनों के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो फिल्म ने शुरुआती 7 दिन यानी कि पहले हफ्ते के अंदर ऑल इंडिया नेट कलेक्शन 26,19,00,000 रुपए का किया था। और बात करें इस फिल्म के आज यानी कि 8वें दिन के कलेक्शन के बारे में, तो फिल्म को जो आज ऑक्यूपेंसी मिली है वो एक तरह से इस हफ्ते रिलीज हुई मड़गांव एक्सप्रेस से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है और ये फिल्म अपने 8वें दिन इंडिया नेट कलेक्शन लगभग 1,80,00,000 रुपए का कर रही है। इसी के साथ योद्धा का शुरुआती 8 दिनों के अंदर इंडिया नेट कलेक्शन 28 करोड़ की रेंज में हो रहा है, तो इंडिया ग्रोस कलेक्शन 33,27,00,000 रुपए। बताना चाहूँगा फिल्म ने ओवरसीज मार्केट यानी कि विदेशों से 7,11,00,000 रुपए की कमाई अब तक कर ली है और इसी के साथ योद्धा का 8 दिनों का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 40,38,00,000 रुपए का हो चुका है। जी हाँ, फिल्म 8 दिनों में दुनिया भर से सिर्फ 40,38,00,000 रुपए की कमाई कर पाई है और आपको बता दें कि फिल्म का बजट 60 करोड़ रुपए है। तो अगर देखते हैं कि फिल्म दूसरे हफ्ते में कैसा परफॉर्मेंस करती है और क्या ये मूवी अपना बजट जितना कलेक्शन दुनिया भर में कर पाती है या नहीं, आइए वही बात कर लेते हैं शैतान मूवी के कलेक्शन के बारे में और फिर वही बात करेंगे स्वतंत्र वीर सावरकर मूवी के बारे में। तो दोस्तों आपको बता दें कि सुपरस्टार अजय देवगन की फिल्म शैतान ने तीसरे हफ्ते में एंट्री ले ली है और ये फिल्म अभी भी करती जा रही है शानदार कमाई। तो आज हम बात करेंगे फिल्म शैतान के अब तक के टोटल इंडिया और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। फिल्म शैतान, जिस फिल्म में उनके साथ हमें आर माधवन और ज्योतिका देखने को मिले थे, बताना चाहूँगा इस फिल्म को सिनेमाघरों में आज से तीसरा हफ्ता शुरू हो चुका है और ये फिल्म अभी भी बॉक्स ऑफिस पर रुकने का नाम नहीं ले रही है। जी हाँ, आपको बता दें कि पिछले हफ्ते भी इस फिल्म में योद्धा से ज़्यादा कमाई की और इस हफ्ते में जितनी भी फिल्में रिलीज हुई है उन सबसे ज़्यादा बढ़िया ऑक्यूपेंसी अभी भी शैतान फिल्म को मिल रही है। हालांकि फिल्म की जो स्क्रीन है पहले हफ्ते में वो तो काफ़ी बढ़िया थी, लेकिन दूसरे हफ्ते में आते कम हो गई थी और आज तीसरे हफ्ते में जैसे ही शैतान ने कदम रखा है नई फिल्म आ गई है, जिसके चलते शैतान के इस तीसरे हफ्ते में कम कर दी गई है। लेकिन शानदार बात ये है कि ये फिल्म स्क्रीन पर भी तीसरे हफ्ते में पूरी तरह से धमाकेदार कलेक्शन कर रही है। जी हाँ, अगर बात करें शैतान के 15 दिनों के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो अजय देवगन की शैतान ने पहले हफ्ते के अंदर इंडिया से नेट कलेक्शन 81,60,00,000 रुपए का किया था और दूसरे हफ्ते से फिल्म का इंडिया नेट कलेक्शन 36,24,00,000 रुपए का कर रहा है।
बात करें इस फिल्म के आज यानी कि 15वें दिन के कलेक्शन के बारे में, तो जैसे कि मैंने आपको बताया आज से ये फिल्म स्क्रीन कम हो गई है, जिसके चलते ये फिल्म अपने 15वें दिन यानी कि तीसरे शुक्रवार ऑल इंडिया नेट कलेक्शन 2,10,00,000 रुपए का कर रही है। और इसी के साथ शैतान का 15 दिनों के अंदर ऑल इंडिया नेट कलेक्शन 119,94,00,000 रुपए का हो चुका है। तो इंडिया ग्रोस कलेक्शन 142,73,00,000 रुपए, फिल्म ने ओवरसीज मार्केट यानी कि विदेशों से 29,21,00,000 रुपए के टोटल कमाई कर ली है। और इसी के साथ शैतान का 15 दिनों का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 171,94,00,000 रुपए का हो चुका है। जी हाँ, फिल्म दुनिया भर से 171,94,00,000 रुपए की शानदार कमाई कर चुकी है। अब फिल्म का बजट 60,00,000 रुपए था, उस हिसाब से देखा जाए तो अजय देवगन के शैतान बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट हो चुकी है। और अब देखते हैं कि ये फिल्म तीसरे हफ्ते में और कितनी बढ़िया कमाई कर पाती है। आइए वही बात कर लेते हैं स्वतंत्र वीर सावरकर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों, फिल्म स्वतंत्र वीर सावरकर को बॉक्स ऑफिस पर पहले ही दिन शानदार ओपनिंग मिल चुकी है। तो आज हम बात करेंगे फिल्म स्वतंत्र वीर सावरकर की पहले दिन के टोटल इंडिया और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, साथ ही साथ जानेंगे कि ये फिल्म आज अपने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर कितनी स्क्रीन पर चल रही है। तो फाइनली आज बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुए फिल्म स्वतंत्र वीर सावरकर, जिस फिल्म में डायरेक्शन किया है रणदीप हुड्डा ने और फिल्म के लीड हीरो भी खुद रणदीप हुड्डा हैं, और इस फिल्म में उनके साथ देखने को मिल रही हैं अंकिता लोखेंडे। बताना चाहूँगा, पिछले दिनों जब इसका ट्रेलर आया था, ट्रेलर को सभी ने पसंद किया और कहीं ना कहीं इस फिल्म को ट्रेलर को देखकर ही लगातार कि ये फिल्म आने वाले समय में बॉक्स ऑफिस पर धमाका करेगी, क्योंकि दोस्तों इस फिल्म को जो टॉपिक है वो एक वहाँ से काफ़ी बढ़िया है। और हमने पिछले समय देखा कि इस फिल्म को इस तरह की जो फिल्में थी बॉक्स ऑफिस पर बड़ी एक सक्सेस रही थी, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इस फिल्म को जो ऑक्यूपेंसी पहले दिन मिली है वो काफ़ी बढ़िया है। और अगर ये फिल्म अच्छी बनी होगी, लोगों को अच्छी खासी पसंद आ गई, तो ये फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट होने से कोई नहीं रोक पाएगा। जी हाँ, अगर बात करें यहाँ पर स्वतंत्र वीर सावरकर के फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो उससे पहले जान लेते हैं इस फिल्म का भी बजट और रिकवरी। तो आपको बता दें कि वीर सावरकर फिल्म को टोटल बजट 40,00,000 रुपए के रेंज में है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये रिलीज होने से पहले ही एक अच्छी खासी कमाई कर ली थी। वो किस तरह, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर वीर सावरकर फिल्म के जो डिजिटल राइटर हैं वो 21,00,000 में बिके हैं। हिंदी और मराठी दोनों लैंग्वेज के वही इस फिल्म के जो सेटेलाइटर राइटर हैं वो भी दो भाषाओं के ऑलरेडी 10,00,000 में बिक चुके हैं, और फिल्म के म्यूजिक राइटर्स के भी 2,00,000 बिके हैं। यानी कि इस फिल्म के मेकर्स ने इसको डिजिटल, सेटेलाइट और म्यूजिकल राइटर्स बेचकर 33,00,000 की रिकवरी कर ली थी। अब अगर बात करें इस फिल्म को पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर क्या रिस्पांस मिला है, तो आपको बताना चाहेंगे कि फिल्म को पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर मार्निंग वाले शोज में 12-15% की बीच में ऑक्यूपेंसी मिली है, जो कि एक तरह से डिसेट है। लेकिन फिल्म की आफ्टरनून, इवनिंग और नाइट शोज की बुकिंग पूरी तरह से शानदार रही, जिसके चलते ही वीर सावरकर अपने पहले दिन इंडिया से नेट कलेक्शन 3,10,00,000 रुपए का कर रही है। तो ऑल इंडिया ग्रोस कलेक्शन 3,68,00,000 रुपए। बताना चाहूँगा, फिल्म को ओवरसीज मार्केट काफ़ी कम स्क्रीन पर रिलीज किया है, जिसके चलते फिल्म सबसे पहले दिन लगभग 50,00,000 रुपए की रेंज में कमाई कर रही है। और इसी के साथ वीर सावरकर का जो फर्स्ट डे वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो हो रहा है 4,58,00,000 रुपए का। जी हाँ, फिल्म दुनिया भर से 4,18,00,000 रुपए की कमाई कर रही है, जो कि फिल्म के बजट के हिसाब से एक बढ़िया ओपनिंग है। तो फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर ओपनिंग तो अच्छी मिल चुकी है। अब देखते हैं कि ये
फिल्म लोगों को कितना पसंद आती है और ये मूवी रणदीप हुड्डा के कैरियर के सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर बन पाती है या नहीं। वैसे आपको इन तीनों ही फिल्मों में से कौन सी फिल्में पसंद आई हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बाय बाय बुआ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।